फिर अरे इधर टू स्टार कितना है तो 5-6 लोग ऊपर आ रहे हैं, फिर बाकी के लोग, फिर डायरेक्टर 3 स्टार, फिर क्योंकि तो टारगेट अभी मालाकर जी ने तो ले लिया है प्रेसिडेंट का, तो फिर मैं क्यों होता बोलने वाला, सही है। तो देखिए भाई ये ऐसे रैंक्स है, एलीट रैंक्स है कि जहां पर आज की डेट में जैसे मेरे दादाजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, ऑलमोस्ट 40 साल जॉब किया, बहुत सारी चीजें। मेरा एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है आप लोगों को, जब तक मैं बहुत बात करने के लिए आता हूं तब तक ये लोग सब कुछ बोल के हो जाता है। ये सब कुछ बोल देते हैं, सब जो भी चीजें होती है, जो भी समझानी होती है, जो भी बात करनी होती है, जो कुछ नए अपडेट्स होते हैं, वो सारी चीजों का भांडा इन लोगों ने फोड़ चुका होता है। प्रणव आधा चीज बात कर देगा, भाई मालाकर जी आधा बात कर देंगे, जाकिर भाई कुछ बोल देंगे, या अरुण जी कुछ बोलेंगे, सब कुछ मिलके इन लोगों, ये लोग ऑलरेडी सब कुछ बता देते हैं सब लोगों। तो मेरे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें बन जाती है कि क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्या नया बताऊंगा। ओके, बट बेसिकली क्या है कि जिम कई सारी चीजें, जैसे अभी मैं रिसेंटली ऑफिस गया, क्राउड वन का ऑफिस दुबई के अंदर, आज की डेट में दुबई एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग का हब बना हुआ। ओके, वो हुआ क्या है मार्केट के अंदर, हुआ क्या है मार्केट के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है अभी क्लोज्ड है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्री है कि जहां पर कोरोना नहीं है, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वही एक कंट्री की जो सब लोगों को वेलकम कर रही है, वो कौन सी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई है, और यूएई का हार्ट दुबई है, सब लोग जानते हैं, बराबर है। सो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपने ऑफिस सेटअप किए हुए दुबई में, ऑफिस अगर नहीं है उनके तो उनके बिजनेस मीटिंग्स होती है दुबई में, उनके लीडर्स आके बैठते हैं दुबई में, और वो लोग वर्ल्ड वाइड से उनके जो लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, कुछ उनके इवेंट्स करने होते हैं, वो सारे कंडक्ट होते हैं दुबई में, ठीक है। तो अभी जब मैंने गलती हो गई कि फेसबुक पे डाल देते ना, सबको कीड़ा है, करो कुछ नहीं, पहले फेसबुक पे डाल दो, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है, और बाकी के 007 तो बैठे ही हुए हैं, सब लोग देखने के लिए वही आ रहा है। तो जैसे ही तुरंत हम लोग डालते हैं कहीं पर भी कोई भी हम लोग इवेंट ऐड करते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, तो अपने दूसरे जो दोस्त होते हैं या दूसरे सर हमारे सर्कल के या कलीग्स होते हैं, वो लोग आपको कॉल कॉन्टेक्ट करते हैं, हाय ब्रो व्हेन आर यू अराइविंग दुबई, तो बोलेंगे तो हम लोग बताना पड़ेगा कि ये दिन पे जा रहे हैं करके, अच्छा तो इस दिन में मिलोगे क्या, उस दिन में मिलोगे क्या, ऐसे करके करके मुझे 4-5 लोगों ने वहां पर बोला, अलग अलग लोगों, आ जाओ हमारा ऑफिस देख लो, आ जाओ हमारा ये देख लो, हमारा वो देख लो। बाय गॉड मैं आपको बताता हूँ, क्राउड वन का ऑफिस 1,00,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस आज की डेट जो एक्सपांशन नया किया, 100,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, दूसरी कंपनियों के तो कहीं मुकाबला नहीं क्राउड वन के ऑफिस पर, जितने मैंने देखे मेरी आंखों से जाके। ओके, अभी ऑफिस की सिर्फ बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ऑफिस यहां तक पहुंचा कैसे, तो ये ऑब्वियसली ये आप सब लोगों के मेहनत की वजह से पहुंचा है, क्राउड वन आज जहां पर भी है ये क्राउड की वजह से, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी क्राउड इज द नंबर वन, ये इसके नाम का अर्थ है, ठीक है। हर कोई भी नया, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको आगे लेके जाने के लिए क्राउड ही चाहिए, पीपल लाइक यू एंड मी। ओके, हम लोग आगे लेके जाते हैं उसको, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि आज की डेट में पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 16 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, सारी कंपनियों का मिला है, और यहां पर क्राउड वन में कितने हैं, कितने हैं, 4.5 करोड़ लोग, और 4.5 करोड़ लोग इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर ये पॉसिबल हो सकता था तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन से ही पॉसिबल था। इसके पहले तो मैंने बहुत सारा फिनाइल, साबुन, शैंपू, तेल, क्या क्या नहीं भेज दिया, बट पॉसिबल नहीं होता। ये यहां पर पॉसिबल इस वजह से हुआ क्योंकि ये बिजनेस 2050 का बिजनेस है, जो आपको आज 2022 में दिख रहा है या 2020 में यहां पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मतलब हम लोगों को किसी चीज की कीमत अगर नहीं समझ में आई है समय के ऊपर, तो समय आपको उसकी कीमत समय आने पर दिखा देगा, ये ध्यान में रखिए। आप इस वक्त का अर्थ समझे कि नहीं समझे, बहुत लंबा था, वापस बोलने को मत लगाइए, ऐसे तुम्हें बाहर करके आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम के ऊपर आपको किसी भी अच्छी चीज की समझ हो जानी चाहिए कि ये चीज कैसे काम करती है। अभी मोस्ट ऑफ द लोग 2020 की बात में कर रहा हूं, जब भी मैंने पहली बार प्लेट टू वन कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो कुछ नया झोल है, ये तो कैसे कैसे करते हैं लोग। फिर धीरे धीरे समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई यहां पर तो इतना इतना बड़ा रेवेन्यू,
इतना बड़ा टर्नओवर आज की डेट में इन कंपनियों का कंपनीज कर रही है कि मतलब मल्टी बिलियन डॉलर का टर्नओवर, मिलियन का भी नहीं बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। कुछ लोगों को मैं मिला हूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो बेसिकली फुल टाइम प्रोफेशनल गेमर्स है आज की डेट में। फिलीपींस में तो एक पूरा टाउन है आज की डेट में कि जो बेसिक सिर्फ और सिर्फ प्ले टू अर्न गेमिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर उन लोगों का रोजी रोटी चलता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर जैसे मालाकर जी ने बताया कि हमारे पास में तो 8 डिफरेंट वर्टिकल्स है क्राउड वन के अंदर, और आने वाले समय में कम्युनिकेशन वगैरह ऐड होने के बाद में और भी एक्सपांशन होने वाला है। तो ये सिर्फ मैंने जैसे बताया आज की बात नहीं है, ये कल की भी बात, फ्यूचर मतलब फ्यूचर आपका कहां पर होना चाहिए, आपको कौन से कंपनी के साथ में काम करना चाहिए, आपको आपका फ्यूचर कहां पर दिखता है, ये बहुत सारे आयाम इसके अंदर छुपे हुए हैं। ये सिंपल एग्जांपल मैंने हमेशा लोगों को दिया हुआ है कि भाई एग्जांपल ले लो कि यहां पर काम करने वाला एक कोई भी एक बंदा है, उसको अगर जॉब ऑफर आता है टैक्स से, नोटेल से, कोई भी बड़ा 5-star होटल है यहाँ पे अपने गुवाहाटी शहर के अंदर, तो वो बंदा जाएगा कि नहीं जाएगा? एक सिंपल लॉजिक है, जाएगा ना यार, अतिथि होटल में कोई बंदा काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी दूसरा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफर आते हैं दूसरे किसी 5-star ब्रांड से, तो वो जाएगा, जाएगा ऑब्वियसली जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? उधर के व्यक्ति को अगर अतिथि में काम करने का ऑफर आता तो आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपल है ना, हर आदमी अपने आप को अपग्रेड करना चाहता, हर आदमी नंबर वन ब्रांड के साथ में काम करना चाहता। तो आज की डेट में आप यहाँ पर जो बैठे हुए हो ये नंबर वन डिजिटल ब्रांड के साथ में हो, क्राउड वन इटसेल्फ इज द नंबर वन डिजिटल ब्रांड पूरे इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में। तो बस, तो ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत है नहीं हम लोगों को, काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये समझाने के लिए इतने सारे लोग आपके साथ में होते हैं। ये इवेंट तो अलग विषय है, बट आपको इन जनरल जो व्यक्ति यहाँ पर बुलाया है, इनवाइट किया है, उस व्यक्ति के साथ में आप बैठोगे तो भी वो व्यक्ति आपको बहुत आसानी से समझा देगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है। टोटल 100% डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस में आइए। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बोल के अगर लाया है कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एंट्री कर लेने से या कोई पैकेज बाय कर लेने से आप घर पे बैठ के रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो भाई फिर तो कुछ गलत बोला है। क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस के अंदर आपको काम करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, टर्नओवर करना पड़ता है, और तब जाके आपको आपका प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये अगर आप लोग समझ गए तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज आप हवा के पीछे भागोगे। हवा के पीछे समझते हैं ना सब लोग, हवा के पीछे भागना आप कभी पकड़ नहीं पाओगे हवा। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो पाता, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, यहाँ पर आज की अगर हम लोग क्राउड वन की बात करें तो जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे दूं तो मैं हमेशा देखता था कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, उन लोगों ने सालों साल काम किया, सालों साल मेहनत की किसी कंपनी के लिए। ग्रैंडफादर मेरे तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो ऑलमोस्ट 40 साल, मतलब 2000 वो जब 21 साल के थे तब से लेके 60 साल रिटायरमेंट तक उन्होंने जॉब करने के बाद में उनको आज की डेट में ऑलमोस्ट 20-25 हजार की पेंशन होगी अगर वो होते तो, क्योंकि मेरी दादी को अब से आधी है, तो मतलब उससे अंदाजा मैं लगा लेता हूँ। तो बेसिकली अगर आज की डेट में हम लोग अगर बात करें तो मुझे मात्र अभी तक पूरे 2 साल भी नहीं हुए क्राउड वन में आके, इनकम कितनी की वो विषय अलग रहेगा, बट जो हर महीने जो कंपनी जो पेमेंट देती है ना, जो डायरेक्टर बोनस देती है ना, क्या बताऊं, कुछ भी नहीं ना, सिर्फ उसके लिए अगर आप टारगेट पकड़ के काम कर लोगे ना, बस लाइफ सेट है। क्यों मैं श्याम सर, मलाकर जी भी, जाकिर भाई भी, प्रणब, कोई भी हिम्मत कर सकता है, जाओ और जाके आराम से दुबई में सो जाओ। क्यों? ये डायरेक्टर बोनस के बदौलत। मालूम है भाई अपने घर का भाड़ा क्राउड वन देने वाला है, अपार्टमेंट का भाड़ा क्राउड वन देने वाला है, अपना खर्चा क्राउड वन देने, क्यों भी टेंशन लेना है अपने को? क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को क्या बोलिए? लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल हुई क्यों? उस डिसीजन की वजह से। मैं बोलता हूं कि ऑलमोस्ट मुझे एक कॉफी, जैसे मैं बताता हूं हमेशा, शाम सर आए मुझे एक दिन उल्लू बना के, बोले आओ सर एक आपके इधर आया हूँ एरिया में, एक कॉफी पीते हैं। अब मैं भी कुछ नहीं कर रहा था तो मैं भी चला गया उस कॉफी शॉप में, बैठे थे हम लोग। ओके, अब उस कॉफी शॉप में बैठे, सर ने मुझे बताया। अब वो क्या था, दरअसल अभी मैं और इसके पहले शाम सर हम लोग एक अलग बिजनेस में काम करते थे साथ में, वही मतलब पाउडर लाली लिपस्टिक बेचने वाला था। ठीक है,
तो हम लोग उसमें काम कर रहे थे। तो मैंने बोला क्या सर ये डिजिटल डिजिटल का आपको तो समझ में आता है एक्सपीरियंस बच्चे हो? नहीं सर ये आप देखो इसको स्टडी करो बहुत अच्छा है रिवोल्यूशन ये जबरदस्त है। अच्छा अभी मेरे साथ में और एक सज्जन भोजन थे हम लोग उसने भी देखा वो भी मेरे को वही बोला खेकड़ा होता है ना खेकड़े वाली स्टोरी तो सबको पता ही होगी वो रिपीट नहीं करनी सर तो वो भी देखा वो भी बोलता है कुछ नहीं रे नया ऐसा ही कुछ मार्केट में शायद बुलाया होगा। मैंने भी बोला मैंने भी लेट वो किया दो दिन हो गए तीन दिन हो गए सर का वापस एक बार फोन मैंने बोला हाँ सर देख रहा हूँ देख रहा हूँ अब मैं उसको ना तो नहीं कर सकता उनको बट देख रहा हूँ देख रहा हूँ सर सच में बता रहा हूँ मैं लाइफ चेंजिंग बिजनेस है ऐसा है वैसा है वही डायलॉग पेटेंटेड जो होते हैं हमेशा 20 साल से जो मैं सुन रहा हूँ बट फिर मैंने मुझे उन्होंने फिर मुझे भी करना था कुछ ना कुछ नया काम शुरू बट उन्होंने बताया एक बार आप देखिए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा क्राउड क्यों वीडियो देखा मैंने तो मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगा उसके अंदर काफी सही चीजें लगी मतलब हाँ यार ये काफी सही चीजें और तब तक मैंने क्रिप्टो वगैरह को लेके काफी थोड़ा बहुत अभ्यास अपना शुरू कर दिया क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है भैया जो कि जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप अगर समय के साथ में नहीं चलोगे तो समय आपको हमेशा 100% चेंज कर देगा उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो ऑलरेडी क्रिप्टो का मार्केट ऑलरेडी बढ़ने की कगार पे था बूस्ट करने के कगार पे ऑलरेडी आ गया था और मैंने उस चीज को देखा कि कई सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट और ये कंपनी ऑलरेडी कई सारी प्लानिंग्स की हुई थी तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने उस बिजनेस को इस क्राउड को करने का मैंने डिसीजन ले लिया भले दो तीन दिन बाद मैंने लिया बट मैंने ले लिया। फिर किसको मैं फोन करूंगा सबसे पहले मैंने उसी व्यक्ति को फोन किया जो मेरे साथ दूसरा कॉफी पी रहा था। मैंने बोला भाई मैंने इस बिजनेस को शुरू करने का डिसाइड कर लिया क्राउड और मुझे लगता है कि तू मेरे साथ में रहना चाहिए। मैंने उसको एक ऑफिशियल इनविटेशन जैसे हमारा कॉल होता है वैसे मैंने दिया उसको और उसको बोला भाई मैं तेरी आईडी लगा रहा हूँ तू कभी कर रहा है पेमेंट कभी कर रहा है कैसे कर रहा है मेरा तो एक ही डायलॉग होता है कैश दे रहा है चेक दे रहा है ऐसा सिखाया गया था बट इसके अंदर ना कैश है ना चेक है ये बिजनेस में तो था नहीं ना तो लेकिन हमको तो ये सिखाया गया था ट्रेनिंग के अंदर सामने वाले को मत पूछो कि तुम क्या लोगे। फिर उसके बाद तो बहुत बहाने चालू हो जाते तो मैंने उसको पूछ लिया बोला अरे भाई तू भी मत कर ना मैं देने वाला हूँ। उसने मेरे को मतलब ऑब्वियसली निगेटिव करने की कोशिश करी और मैं फिर मैंने बोला भाई ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं कर ही लेता हूँ अभी जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोचकर मैंने इस बिजनेस को पूरी तरीके से एकदम फुल स्विंग के साथ में इस बिजनेस में काम करना शुरू किया और उस बंदे को ना ये कॉफी जो उसने रिजेक्ट की ना इस कॉफी को ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की तो कम से कम पड़ी कम से कम बोलता हूँ मैं मतलब आज भी वो व्यक्ति बोलता है जब भी मैं उसको मिलता हूँ ना तभी भी उसके मन के अंदर उसको देखने के बाद में तो ये चीज समझ में आती है कि बेटा चुप गए बहुत जबरदस्त वाले चुप गए इस बार मतलब उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो भी उसके मन के कोने में तो ये भाव है हमेशा रहेगा और वो जीवन भर रहेगा ये अपॉर्चुनिटी को ना ऐसे तुरंत मिस नहीं करना चाहिए। मैंने तो भी एटलीस्ट 2-3 दिन लिए उसको सोचने समझने के लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी बिजनेस के अंदर बिजी था बट इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। जो क्राउड वन ने टेक ऑफ लिया था मतलब मैं बता नहीं सकता आपको 2020 और 2021 ये तो रिवोल्यूशनरी ईयर्स थे क्राउड वन के लिए और 100% मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कंपनी अगर 4.5 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है मात्र 2.5 से 3 साल के अंदर तीसरा साल कंप्लीट हुआ पहुंचेंगे अभी तो सर चालू भी नहीं हुआ बट बेसिकली 3 साल में पकड़िए 3 साल के अंदर 4.5 करोड़ लोगों तक अगर कंपनी पहुंच सकती है ना सिर्फ पहुंचना बट ज्वाइन कराने की बात कर रहा हूं मैं अगर हो सकता है पॉसिबल है तो इससे तो सिर्फ डबल ही जाना है हमको 400 मिलियन का जो टारगेट है कितना जाना है बस अभी आ जाएगा। अभी बात करते करते मुझे लगता है जून जुलाई अगस्त तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे इस टारगेट तक रीच कर लेंगे क्योंकि जिस रफ्तार से हम लोग अगर देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से चाइना कोरिया साउथ कोरिया जिस रफ्तार से अग्रेसिवली काम कर रहा है अफ्रीका और ऑब्वियसली इंडिया उस मुझे भी लगता है कि उस रफ्तार के आगे अभी कोई रिकॉर्ड टिकने वाला है और 100% ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी क्राउड वन ने तोड़ दिए हैं। पहले जब मीटिंग होती थी प्रेजेंटेशन तो इसमें बताया जाता था ये जॉन वेस्टर्ड ऑयल ऐसा बताया जाता था ये अभी सर बता रहे थे थोड़ी देर पहले माला कर ये फेसबुक में आई फेसबुक का आईटी हेड था ओके दूसरे साहब जो हमारे वो हम बता देते कि वो रिफ्लेम का डायरेक्टर था ऐसा बताया जाता था प्लान के टाइम पे प्रेजेंटेशन के टाइम। मैंने बोला अरे भाई छोड़ दो बोलने का भी ये अब मुझे शर्म आती है बोलने के लिए कि वो रिफ्लेम का डायरेक्टर था करके तो बोलो ये क्राउड वन का डायरेक्टर है वो क्राउड वन का सीईओ है क्योंकि
एग्जांपल इतना बड़ा है, लाइव एग्जांपल है कि अभी दूसरे कंपनियां दे रही है, ऑब्वियसली दे रही है, रियली दे रही है। तो जिस जैसे मैंने बताया आपको कि ऑफिस की बात अगर करें, फाइव स्टार ऑफिस है जो क्राउड वन का जो ऑफिस है, उसके सामने दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है एफएलपी का, फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम, बट इस ऑफिस के सामने वो ऑफिस भी पीता है। तो मतलब सारा जो क्राउड आज के डेट में है, सब कुछ जो भी है आज, सब कुछ पूरी इंडस्ट्री जो है आज क्राउड वन के अगल बगल में घूम रही है। ओके, और क्योंकि क्राउड वन के पास में क्राउड ही उतना है, इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 35% क्राउड जो अपने पास में, तो ये एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। रिवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, इसके अंदर आप लोग ऑलरेडी आ चुके हो, तो इस बस के अंदर आप लोग हो। और मैं ये हमेशा चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी अंतिम डेस्टिनेशन हो, जो भी आप लोगों ने अपने मन में रखा है, चॉइस किया है, सपना देखा है, वो आपका बहुत जल्दी से जल्द पूरा हो। और उसके लिए हमारी तरफ से कुछ भी करना चाहे, करना पड़े, कोई भी सपोर्ट आप लोगों को लगेगा, तो हम सब लोग, ये सारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो लोग ऑन फील्ड काम करते हैं, वो सारा सपोर्ट आप लोगों के लिए हमारे पास से आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। ये बोलते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और वापस दोबारा मिलने की मनोकामना करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।